हेलो। सो थोड़े अपने चैनल ते तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। थोनू पता है जिवें किथे लिखा आया कि अज आपां की पढ़न लगांगे। अज आपां करंट अफेयर पढ़ांगे कित्थों दी, जनवरी 2022 तो लैके दिसंबर 2022 तक। ते इहदा सिर्फ इह पार्ट वन रहूगा, उस तों बाद पार्ट टू ते हो सकदा पार्ट थ्री भी आवे। जिवें कि थोनू पता है कि पंजाब दे पेपरां दे विच इस टाइम सब तों ज़्यादा करंट अफेयर आ रहे ने ते पूछे जा रहे ने, ठीक है। सो तां करके जिहड़े भी आ साल दे 2022 दे जिन्ने भी करंट अफेयर बने ने उह सारे मैं तुहानूं इस वीडियोज़ दे विच करवाऊंगा। सो पेशेंस दे नाल मेरे नाल बने रहना। वीडियोज़ थोड़ी बहुत लंबी हो सकदियां ने, सो किसे ने भी उह चीज़ की टेंशन नहीं लैनी। सब तो पहला अपने कोल की बनता है, सब तो पहला अपने कोल की बनता है कि हु हैज़ टेकन ओवर एज न्यू सैकटरी जनरल ऑफ SCO। SCO का मतलब की है शिंगाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तां उहदा जो है न्यू सैकटरी जनरल कौन बनया, तां जहांग मिंग बनया। कौन बने ही, जहांग मिंग। हु हैज़, अगला की अपने को, हु हैज़ बीन अप्रूव टू अपॉइंट एज द फर्स्ट वूमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान। तां पाकिस्तान दे विच पहली जिहड़ी औरत है जो की बनी है अपने को सुप्रीम कोर्ट दी जज बनी, तां उहदा नाम की है आयशा मलिक। उहदा नाम की है जी आयशा मलिक। अगे क्या, हु हैज बीन साइंड एज ब्रांड एंडोसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा दी जो ब्रांड एम्बेसडर कह लो या ब्रांड एंडोसर कह लो, कौन बनी है, शेफाली वर्मा। एक क्रिकेटर है जी, आई दी फोटो लगी हुई है, ब्रांड एम्बेसडर कह लो या एंडोसर कह लो, ठीक है। हु हैज टेकन चार्ज एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असाम राइफल्स। तो असाम राइफल्स का जो है इंस्पेक्टर जनरल का चार्ज किने लिया है, मेजर जनरल विकास लखेड़ा ने लिया, ठीक है जी, किने, मेजर जनरल विकास लखेड़ा ने लिया। अगे जे मैं गल करा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी। ता केरला दी स्टेट चलचित्र अकेडमी दा चेयरमैन कौन बनया है, रंजीत बालाकृष्णन। रंजीत बालाकृष्णन बहुत इंपॉर्टेंट की ने ये MCQ ने जिहड़े मैं तुहानू करवा रहा, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ न्यू बुक, एक नवी बुक आई है जिहदा नाम की है गांधीज असेसिंग द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो जिहड़ी आह गांधी दी असैसीनेशन वाली किताब है, इहदा राइटर कौन है, तो धीरेंद्र कुमार झा। धीरेंद्र कुमार झा इहनां दा नाम की है, आ ने धीरेंद्र कुमार झा, ए की ने इहदे राइटर ने, ठीक है जी। हु हैज़ बिकम 73rd चैस ग्रांड मास्टर। ता 73वां जो है चैस ग्रैंड मास्टर वो कौन बनया है, भारत सुब्रमण्यम बनया। तो यह कितों का है, यह तमिलनाडु का जी, कितों का, यह तमिलनाडु का, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ AIBB। तो AIBB के वाइस प्रेजिडेंट के तौर पर किनू नियुक्त किया गया है, उर्जित पटेल नियुक्त किया गया है। हूँ अगे जे मैं आवा, हु हैज़ वॉन बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा दे विच अवार्ड इन गोल्डन ग्लोब दे विच। तो किनू मिला है, हु हैज़ वॉन बेस्ट बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन गोल्डन ग्लोब। तो वो विल स्मिथ है। पिछले थोनू पता होगा इन्हां दे एक थप्पड़ दी बहुत ज़्यादा मशहूरी कर दी गई सी, तो ये उही ने विल स्मिथ। इन्हां नू की मिले है, आ वाला अवार्ड मिले। अगे है बेस्ट पिक्चर ड्रामा दे विच केड़ी पिक्चर नू मिले है, द पावर ऑफ द डॉग पिक्चर नू मिले है। बेस्ट पिक्चर जिहड़ी म्यूजिकली या कॉमेडी होवे उहदे विच मिलिया वेस्ट साइड स्टोरी नूं। जे मैं कहां बेस्ट एक्ट्रेस दी गल, तां उह मिलिया एनू, इहदा नाम की है निकोले किडमैन, किहदे लई, बीइंग द रिकॉर्ड्स रिचर्ड्स, ठीक है। अगे जे मैं कहां बेस्ट एक्टर ड्रामा दे विच किहनूं मिलिया, विल स्मिथ नूं, किहदे लई मिलिया सीगा, किंग रिचर्ड लई, ठीक है जी। किहड़ी मूवी सीगी, किंग रिचर्ड मूवी लई मिलिया सी। अगे जे मैं गल करां, हु हैज़ वॉन साउथ कोरियाज़ फर्स्ट। ये सिर्फ साउथ कोरिया का फर्स्ट है जी, ठीक है। साउथ कोरिया के किसी पहले बंदे को कौन अवार्ड मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, वो है ओ योंग सू, ठीक है। आह नहीं जी, जे थोने वो देखी होगी अपने को, स्किड गेम देखी होगी, स्कैड गेम, स्क्विड गेम, SQUID, ठीक है, स्क्विड गेम देखी होगी, तो वो ये बहुत बढ़िया एक्टर ने, ठीक है, कॉमेडी एक्टर करते एक्टिंग करते हैं। तो ओ सिंग ये कितों के ने, साउथ कोरिया के पहले किसी बंदे को की मिले, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले। हु हैज़ वॉन एडिलेड इंटरनेशनल वूमेन्स सिंगल फाइनल। तो एडिलेड इंटरनेशनल वूमेन सिंगल फाइनल किने जीते है, एशले बार्टली ने, कि ठीक है जी, कितों की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, जो ये एशले बार्टले है, बाटे है, ये कितों की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये सिर्फ 25 साल की है, तो इन्हें 25 साल के ही अपना की कहता, आ देखो यदि फोटो है, 25 साल के अपने रिटायरमेंट की करती जी घोषणा
कर दी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ लेजेंड लीग क्रिकेट। द लेजेंड लीग क्रिकेटर दी जो है वो है एम्बेसडर वो कौन है, जूलन गोस्वामी आह क्रिकेटर है, थोड़ा पता होना चाहिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक इन IMF। IMF की फुल फॉर्म थोड़ा पता होनी चाहिए की होंगी है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। IMF की फुल फॉर्म क्यों होती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ते न्यू चीफ इकोनॉमिक कौन है, पैरी पैरी ओलिवियर, ये की ने नवे ने, ठीक है। तो जे मैं गल करा इन्होंने रिप्लेस किनू किया, तो इन्होंने रिप्लेस किया गीता गीता इन्होंने रिप्लेस किया गीता गोपीनाथ। ये कितों की सी जी, इंडिया की सी। गीता गोपीनाथ ने की किया, इन्होंने रिप्लेस किया गीता गोपीनाथ ने। हूँ की मिल गई, हायर अथॉरिटी मिल गई जिंदा नाम क्या, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। जे मैं IMF की गल करा, जे मैं IMF की गल करा, यदि स्थापना कदों हुई सी, यदि स्थापना हुई सी 1945 दे विच, ते एदा जो हेडक्वार्टर है वह कित्थे है, वाशिंगटन वाशिंगटन DC दे विच की है इहदा हेडक्वार्टर, ठीक है जी। तो जे अगे आपां जिहड़े गल करिए कि वट इज़ द रैंक ऑफ हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, कई बार पेपर के आते हैं कि इंडिया को किनवा रैंक मिले है या पहल नंबर पर कौन है। तो जे मैं कहाँ पासपोर्ट इंडेक्स के, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के इंडिया का नंबर किन्ना है, तो इंडिया का नंबर है जी अपने को 85। इंडिया का नंबर किन्ना, 85। फर्स्ट पर कौन है, जापान। सैकेंड पर सॉरी इतने गलत लिखा गया, कोई मिस इनफॉर्मेशन है, फर्स्ट पर जापान है, तो थर्ड पर कौन है, फिनलैंड है, ठीक है जी। फर्स्ट पर जापान है, थर्ड पर फिनलैंड है। अगे जे मैं कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड AFSP, AFSP की हुंदा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यदा मतलब की है, ये की हुंदा है, ये जो भी आर्मी है वो जिथे भी AFSP लग गया उत्थे बिना किसी अरेस्ट वारंट के या सर्च वारंट के जा सकती है। तो नागालैंड के विच किन्ने टाइम लई एक्सटेंड करता, तो होर 6 महीने के लिए की करता एक्सटेंड, कितने, नागालैंड के, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। तो यूको बैंक के जो नवे MD ते CEO कौन ने, सोमा शंकर प्रसाद, कहड़े नहीं, सोमा शंकर प्रसाद, ये इन्हों की फोटो लगी हुई, ठीक है जी। अगे की है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वूमेन टू रीच 300 मिलियन, कि जोड़े ने 300 मिलियन फॉलोअर हो गए कि उत्ते, इंस्टाग्राम के उत्ते, तो वो कौन है जी, काइली जाइनर, ठीक है। जॉर्डन समझ रहा गाना है कि काइली का मड़ंगा पाते गभरू दे बोल नहीं, तो वह काइली जेंडर, ठीक है। हु हैज वॉन द फीफाज बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ता फीफा दे द्वारा किनू बेस्ट मैनस प्लेयर ऑफ द ईयर कहा गया है, रॉबर्ट लिवनडॉस्की, ते इन्हां दी फोटो है, रॉबर्ट लिवनडॉस्की ते काइली जेनर दी फोटो अपने कोले आ सी, ये अपने कोले की दी फोटो आई, काइली जेनर दी फोटो है, ठीक है जी। जे मैं फीफा बारे थोड़ी जी थोड़ा होर, ये पहला काइली जेनर देख लो, ये कितों की ने जी, ये अमेरिका की एक्टर है तो बिजनेस वूमैन है, ठीक है। अमेरिका की एक्टर तो बिजनेस वूमैन है। जे मैं फीफा की गल करा, तो फीफा की स्थापना कदों हुई सी, 1904 दे हुई सी, कित्थे, पैरिस दे। पर जे मैं गल करा इस टाइम यदा हैडक्वार्टर कित्थे है फीफा का, तो इस टाइम यदा हैडक्वार्टर है कित्थे, जिनेवा दे, जिनेवा दे की है इस टाइम यदा हैडक्वार्टर है, ठीक है जी। सॉरी सॉरी सॉरी, जिनेवा नहीं, ज्यूरिक दे, तो ज्यूरिक दे की है जिदा इस टाइम हेडक्वार्टर है। तो थोड़ा पता होगा कि हुणी कतर दे विच, हुणी हुणी कतर दे विच की हो के हटिया, फीफा का वर्ल्ड कप हो के हटिया है, तो जिदे विच फस्ट कौन आया, अर्जेंटीना, तेरा रन अप कौन रही है, स्पेन, ठीक है जी। अर्जेंटीना फस्ट आया, थोड़ा पता है मैसी मैसी हुई पई है, तो वह कौन फस्ट आया, अर्जेंटीना अपने को आई है फस्ट आई, क्लीयर है जी। तो कितने होया ये, कतर दे दोहा दे विच ये वर्ल्ड कप होया। अगे आया कॉलर वाली टाइग्रेस इन विच रिजर्व रिसेंटली डाइट, तो जिंद की नाम से कॉलर वाली टाइग्रेस, एक टाइग्रेस सी जिंदा नाम की रखा गया सी, कॉलर वाली रखा गया सी। यह क्यों रखा गया सी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को की दिता सीगा, जन्म दिता सी हुण तक, ता करके इहदा नाम की रखा गया सी, कॉलर वाली टाइग्रेस, ठीक है। तो इन्होंने जे मैं गल करा किन्ने बच्चों को जन्म दिता सी, तो लगभग लगभग 29 बच्चों को की दिता सी हुण तक जन्म दिता सीगा। तो कितने मरे ने, या इन्हें डैथ कितने हुई है, पेंच टाइगर रिजर्व के, इन्हों की की डैथ हुई है। हू हैज़ बीन अवार्ड एज द फीफा स्पैशल द बेस्ट अवार्ड, तो यह किनू मिले, क्रिस्टियानियो रोनाल्डो। थोड़ा बहुत चंगी तरह पता है कि आह की इन्हों की फोटो है, कि यह क्रिस्टियानियो रोनाल्डो।
हु हैज़ बीन द यंगेस्ट वूमेन, जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा यंगेस्ट वूमेन है जिन्हें फ्लाई किया है वर्ल्ड, किन्ना सोलो, सोलो मतलब कल ही की किया इन्हों ने वर्ल्ड नू देखा है, तो ये की ने ना ज़ारा रदरफोर्ड, ये इन्हों की की है ज़ारा रदरफोर्ड की की है ये फोटो है, ठीक है। इन्हों ने कल ही की किया सोलो वर्ल्ड के घूमया, तो लगभग लगभग यह किन्ने साल की है जी, 19 साल की है, किन्ने साल की है जी, ये 19 साल की है। हु हैज़ अनाउंस टू गैट रिटायर फ्रॉम टेनिस करियर आफ्टर 2022, तक किने 2022 के टेनिस के सारे फॉरमैट तो ही की करता रिटायरमेंट अनाउंस करती, तो सानिया मिर्जा ने 2022 तो बाद वो की ले लेंगे रिजाइन ले लेंगे, ठीक है, मतलब रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर पास्ट एट विच नेशनल पार्क, जो इंडिया का सब तो पुराना बियर है भालू है वो कितने स्वर्ग सुधार गया, वन विहार नेशनल पार्क के की कर गया सुधार गया, स्वर्ग सुधार गया, तो यह नाम की सी गुलाबो, गुलाबो सताबो एक मूवी आई सी, गुलाबो की सी जी यदा नाम से, तो यहाँ ये वन विहार नेशनल पार्क है ये कितने है एमपी मतलब मध्य प्रदेश के विच है। जे मैं अगे गल करा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यदा कौन है इतिरा दिवस, इतिरा दिवस नू की बनाया गया यदा एमडी ते सीईओ बनाया गया कि उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरियन ICHR का जो है अपने को चेयरमैन किसनों बनाया गया, रघुवेंद्र तनवर नू बनाया गया है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरन कंट्री टू ऑर्डर फॉर परचेस ब्रह्मोस मिसाइल, थोड़ा पता है ब्रह्मोस के बारे की है, ब्रह्मा ते मॉस्को, ठीक है, ये दो तो मिलकर बनया मतलब अपने इंडिया के इंडिया ते रशिया का की है ये कॉम्बीनेशन है, ये दोनों की बना रहे हैं जो ब्रह्मोस बना रहे हैं, उन्होंने सब तो पहली जी कंट्री है वो लै रही है, वो कौन लै रही है फिलीपींस लै रही है, ठीक है जी, इंडिया तो। हु हैज़ बीन क्राउडेड मिसिज है, मिस नहीं है मिसिज वर्ल्ड 2022 टाइटल, तो मिसिज वर्ल्ड किने जो है टाइटल लिया वो है शाइलन फोर्ड, यह है जी यदि भी खास गल यह है इन्हों के तीन बच्चे नहीं तीन चाइल्ड ने, ठीक है, ये जो मनाया जाता है ये मिसिज लई ही होंगे मिस लई नहीं होंगे, ठीक है जी। अगे है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च योग्यता मोबाइल ऐप, तो योग्यता मोबाइल ऐप कि ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है, तो वह की है CSC, ठीक है, किने की है CSC, तो यदि फुल फॉर्म कहाँ था कॉमन सर्विस सेंटर, यदि फुल फॉर्म की है कॉमन सर्विस सेंटर। अगे हु इज द ऑथर ऑफ अ न्यू बुक टाइटल कश्मीर द क्वेस्ट ऑफ पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, तो ये जो राइटर ने वो कौन ने किताबा बहुत आदि ने, निर्मल चंद्र विज, ठीक है, निर्मल चंद्र विज। विच कंट्री हैज़ लिफ्टेड बैन ऑन बोइंग 737 मैक्स आफ्टर 2018 लॉयन क्रैश, ये की है कि कंट्री ने बोइंग 737 बैन अपलिफ्ट करता, बैन लग्या क्यों सी, क्योंकि जो बोइंग का एक जहाज सगा वो इन्ह की कंट्री के हो गया सगा क्रैश हो गया सी, तां करके इन्होंने की करता से बैन लगाता से, पर हुण की करता इंडोनेशिया ने ये उत्तों बैन की करता अपलिफ्ट करता। हु हैज़ बीन अवार्डेड सीईओ विनर, जेडे आह ने जी ये निर्मल चंद्र विज, ये इन्हों की आह फोटो है, ठीक है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द सी सॉरी 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 ये इन्हों की है किशोर कुमार यादव की फोटो है, ठीक है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021, तो 2021 का जरा अवार्ड मिले किनू मिले किशोर कुमार यादव न मिले, ये इन्हों की फोटो है, ये एक एंटरप्रेन्योर। अगे जे मैं गल करा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे के सब तो जो चेयरमैन से सीईओ बनाए गए हूँ कि बनाए गए हैं, विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है, इन्होंने किनू रिप्लेस किया है सुनील शर्मा को, इन्होंने रिप्लेस किनू किया जी सुनील शर्मा को रिप्लेस किया है। तो जे मैं रेलवे की गल करा तो रेलवे की स्थापना कदों हुई थी तुम सारे पता होगा 1853 के डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा सब तो पहला रेलवे की स्थापना की गई, सब तो पहली रेल चली थी जी बॉम्बे टू थाने चली थी, सब तो पहली रेल कितने चली थी बॉम्बे टू थाने चली थी। हु हैज़ टेकन चार्ज ओवर चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जरा वो है चार्ज है वो किने ले लिया VS पठानिया ने ले लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जरा स्टैचू है वो इंडिया के किसी स्टेट के बनया, तो वो कितने बनया जी गोवा के बनया। हु विल बी हैड ऑफ सैबी रीस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डाटा, तो वो कौन बने ने MS साहू, ये की ने इन्हों की MS साहू की फोटो है। GST काउंसिल फाइनली डिसाइड व्हाट GST रेट फॉर टैक्सटाइल, तो GST थोड़ा पता है 1 जुलाई
2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ GST ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ GST ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰਤੀ ਇਹ, 12% ਕੀ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ GST ਵਧਾਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਮੇਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਦਾਵੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਚ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵਰਲਡ ਫਸਟ ਡਿਊਲ ਮੋਡ ਵਹੀਕਲ, ਤਾਂ DMV ਜਾਂ ਡਿਊਲ ਮੋਡ ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਲ ਡੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਔਨ ਵਿਚ ਡੇਟ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 4 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਲ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੂਈਸ ਬ੍ਰੇਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਲੂਈਸ ਬ੍ਰੇਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਵੂਮੈਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਸੋਲੋ ਟ੍ਰੈਕ ਟੂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੱਕ ਸੋਲੋ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਂਦੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 32 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵੋਨ ਦਾ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇੰਕਾ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਏ ਲਤੀਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੋ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅਚੀਵਡ ਦਾ ਫਸਟ ਐਵਰ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ, ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਜੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਡੀ ਆਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਓਪਨ ਰੌਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਓਪਨ ਰੌਕ, ਰੌਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਰੌਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਹੀਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਲਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਨਰਡ ਐਜ਼ BBC ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਨਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ, BBC ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਅੱਗੇ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੋਸਟਡ ਬਿਮਸਟੈਕ ਸਮਿਟ 2022, ਤਾਂ ਬਿਮਸਟੈਕ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਆਫ ਮਲਟੀ ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੀ, 7 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, 7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਗ੍ਰਾਮ ਥੋਰਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਬਿਕਮ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਈਅਰ 2021-22, 2021-22 ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜੇ ਫਰੂਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ PM ਮੋਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕ੍ਰੌਸ ਬਾਰਡਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਰੁਪੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੌਸ ਬਾਰਡਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੱਲੂ, ਤੇ ਰੁਪੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਾਂਚ ਕ੍ਰੋਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੌਣ ਦਊਗੀ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ ਦ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ? DMRC ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕ ਮੈਟਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਸਟ ਟੈਕ ਮੈਟਰੋ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟਰੋ। ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਾਨਪੁਰ ਮੈਟਰੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਨ ਬਿਕਮ PM ਆਫ ਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ? ਤਾਂ ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? PM ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਡਲ ਡਿਡ ਇੰਡੀਆ ਵੋਨ ਇਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ? ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? 17। ਤੇ ਜਪਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲ? 21 ਮੈਡਲਸ ਨਾਲ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵੋਨ ਵਾਈਟਲੀ ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ? ਵਾਈਟਲੀ ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਚਾਰੂਦੱਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਨੋ ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਿਊ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ? ਤਾਂ ਨਿਊ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਵਿਨੇ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਵਿਨੇ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ। ਇਸਰੋ ਹੈਜ਼ ਪਲੈਨਡ ਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਵੀਨਸ? ਵੀਨਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਈਅਰ? ਤਾਂ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਨਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ? 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਕੇ ਸਿਵਾਨ ਨੂੰ। ਕੇ ਸਿਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਫਰੋਮ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪੀਅਨ? ਤਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ ਦ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ TVS ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ? ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵੀਨੂ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਥ ਐਜ ਦ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ? ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੋਲ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ? ਤਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਨਿਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਈ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਨਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਨਿਊ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ? ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਪ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ 2022 ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਤਾਂ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵ 2022 ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਿਲਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੌਰੀ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਟੂ ਨੇਪਾਲ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਟੋ ਹੈ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵੋਨ ਵੂਮੈਨਸ ਊਬਰ ਕੱਪ? ਵੂਮੈਨਸ ਊਬਰ ਕੱਪ 2022 ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨਸ ਊਬਰ ਕੱਪ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਲੋਕ ਮਿਲਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਰ ਰੀਡਰੈਸ ਆਫ ਗਰੀਵੈਂਸ ਆਫ ਪੀਪਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਿਲਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਰੀਵੈਂਸ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ MD ਤੇ CE ਆਫ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ? ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਵਿੱਠਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਪਾਲ ਵਿੱਠਲ ਨੇ MD ਤੇ CEO। ਐਂਥੋਨੀ ਐਲਬਨੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਥੋਨੀ ਐਲਬਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਕਾਟ
मॉरिसन। विच टू कंट्री अप्लाई टू द ज्वाइन द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नाटो की फुल फॉर्म है जी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तां कि दो कंट्रियां ने ये ज्वाइन करने को कहा, स्वीडन ते फिनलैंड ने के, ठीक है जी। विच इंडियन बिजनेस लीडर हैज बीन अवार्डेड विद द ब्रिटिश ऑनर, तां उन्हें किशोर किशोर जयराम, ठीक है। विच यूटी गवर्नमेंट हैज इंड्यूस्ड इंट्रोड्यूस होगा सॉरी इंट्रोड्यूस टू रोबोट फॉर एक्सटिंग्विश फायर इन द सिटी, यदा मतलब की है दो रोबोट ने जेडे की करेंगे अग बुझाने का काम करेंगे, तो वो किने स्टार्ट किया जी न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया लगभग लगभग 80 डिग्री के डिक्लाइन के उत्ते, मतलब जिम्मे 90 डिग्री होंगे ना, तो जे मैं गल करा इन्ने के उत्ते ही की कर लेंगे ये चढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो इंडिया ने 54वां रैंक पैदा हो हासिल किया कि ट्रैवल ते टूरिज्म दे विच बहुत ही माड़ा है, जे मैं गल करा ये 18 रैंक 8 रैंक की होगी पहला तो थले आ गई, पहला इन्हों का रैंक 46 सी, हुण अपना रैंक किन्ना आ गया 54 आ गया, ठीक है, मतलब माड़ा हो गया। तो जे पहले नंबर पर गल करा जापान है, दूजे तो यूएस है, तीजे तो की है जी स्पेन है। परम पोरुल सुपर कंडक्टर सुपर कंप्यूटर सॉरी हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच इंस्टीट्यूशन कैंपस, तो थोड़ा पता है दुनिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर से वह नाम परम 8000 से, तो उस सीरीज के परम पोरुल लैके आए हैं, तो कितने वह होया इनोग्रेशन NIT तिरुचिरापल्ली, कितने होया NIT तिरुचिरापल्ली, तो कि द्वारा बनाया गया है कंप्यूटर सी डेक पुणे के द्वारा। जे मैं गल करा पहले कंप्यूटर की पहले जो अपने को भी कि द्वारा बनाया गया ये द्वारा ही बनाया गया से पहला परम 8000। विच टेनिस प्लेयर वॉन द मैनज सिंगल मैक्सीकन ओपन टाइटल, तो राफेल नडाल है जी नडाल है जी, इन्हें मैन का भी जितया, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जितया, तो फ्रेंच ओपन भी, ठीक है, मैक्सीकन ओपन भी, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, तो फ्रेंच ओपन भी किने जितने, राफेल नडाल ने ही जितते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का जो वाइस प्रेजिडेंट है वो किन्होंने बनाया गया, तो वह किन्होंने बनाया गया जुनेद कमल अहमद, ये की है जी इन्हों की फोटो है जुनेल कमल अहमद। तो वर्ल्ड बैंक की जो मैं गल करा तो यदि स्थापना कदों हुई थी 1944 के हुई थी, कितने यदा हैडक्वाटर कितने यदा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी दे विच। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट एम्बूलेंस फॉर स्ट्रीट एनीमल, तो स्ट्रीट एनीमल लई जिहड़ी पहली एम्बूलेंस है इंडिया की कितने बनाई गई है, वो चेन्नई दे विच बनाई गई है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबादोस, बारबादोस एक कंट्री है सॉरी जे मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर कौन बने ने, मियाँ अमोर मोटले। नरेंद्र मोदी अनाउंसड अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विल बी इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस, तो दिल्ली के इंडिया गेट पर इन्होंने की कहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक की बनूगा स्टैचू बनूगा, यदि खास गल की होगी रात में यह जिमें चमकना नहीं हूँ चमकदा, छोटे होंगे तुम्हें देखा होगा भी एक चमकदा होंगे मटीरियल जी, तो उमें यह रात में की होगा चमकया करूंगा, ठीक है जी, तो यह बहुत ही वधिया तरीके बनाया जा रहा बनया होया सॉरी। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, मतलब कुछ पैरामीटर होंगे ने भी गवर्नेंस किमें चल रही है सरकार वे आधार के उत्ते किनू पहले नंबर से जगह मिली है, तो वो जम्मू में मिली है। हु हैज़ वॉन सैयद मोदी इंटरनेशनल टाइटल, PV सिंधु आ की है जी इन्हों की फोटो है। हु हैज़ बीन गिवन नाइटहुड फॉर सर्विस टू क्रिकेट, तो क्रिकेट के नाइटहुड लिए किनू सम्मानित किया गया, क्लाइव लॉयड, तो जो थोड़ा पता हो क्लाइव लॉयड वैसट इंडीज़ के प्लेयर ने, तो जो ये दो बार वर्ल्ड कप जीती से इन्होंने टीम, तो दोनों बार ये इन्होंने की किया सी प्ले किया। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असाम, असोम भाई वैभव, ठीक है, असोम वैभव नाल किनू सम्मानित किया गया, रतन टाटा नू, क्यों, क्योंकि इन्होंने असाम के विच नी कैंसर हॉस्पिटल का की किया है निर्माण किया है। CDS लेट जनरल बिपिन चंद्र रावत हैज़ बीन पोस्ट थॉमसली अवार्डेड विद विच अवार्ड, तो इन्हों के अवार्ड दिता गया, थोड़ा पता है पिछली बार एक क्रैश के इन्हों की डैथ हो गई थी, तो इन्हों के अवार्ड मिले पद्म विभूषण अवार्ड मिले, ठीक है जी। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद परम विशिष्ट सेवा मैडल, तो वो किनू मिले जी नीरज चोपड़ा नू, आ थोड़ा पता है, तो इन्होंने जो गोल्ड जितया थोड़ा पता है इन्हें बहुत वाहवाही हुई थी, तो इन्होंने कितों जितया से टोक्यो ओलंपिक के जितया सी गोल्ड जितया सी। हु हैज़ वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन वूमेन सिंगल टाइटल, तो वो कि एशले बार्टी ने, मैं तुम्हें पहला करवा चुका है एशले बार्टी एक इतों के प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने। ज़ियोमारा कास्टो हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो जी ज़ियोमारा कास्टो है ये पहली जी फीमेल है वो प्रेजिडेंट बनी है कितों की, हंडसुरस की, हंडसुरस की। विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर रेकोगनाइज सैक्स वर्कर एज अ प्रोफेशन, तो कितों की सरकार ने कहा है भी जो सैक्स सैक्स वर्कर ने वो की ने अपने को सैक्स वर्क है वो भी की एक प्रोफेशनल है प्रोफेशन है, तो वो किने कहा जी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
हु हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपलैक्स, तां अमित शाह ने की किया एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपलैक्स की नींव रखी है कितने, अहमदाबाद के विच। ठीक है जी, अगे जो मैं कहाँ वट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, थोड़े थले कमेंट करके दसना योगा डे कदों मनाया जाता है, 21 नूं मनाया जाता है, कदों मनाया जाता वो थोड़ी जिम्मेवारी थले कमेंट करना है। तो वो थीम की सी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, बहुत बार पूछा गया है, थीम्स के उत्ते क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द स्टेट ऑफ स्पोर्ट्समैन, तो किने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया है, राजस्थान सरकार ने, उत्तर जो थोड़ा पता हो मुख्यमंत्री कौन ने, अशोक गहलोत ते कांग्रेसी ने। इंडियाज़ फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन इनोग्रेट इन विच सिटी, रूरल का मतलब पेंडू ट्राइबल में जी टेक्निकल सिक्ख्या देने का काम केरी सरकार ने शुरू किया है, भोपाल ने शुरू किया है। ठीक है जी, WHO सिलेक्टेड विच स्टेट फॉर नो तंबाकू डे अवार्ड, तो नो तंबाकू डे अवार्ड किने शुरू किया है, सॉरी नो तंबाकू डे अवार्ड किनू मिले, झारखंड सरकार को मिले कि द्वारा, WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। UN हैज़ अप्रूव टर्कीज रिक्वेस्ट टू चेंज इट्स नेम टू तुर्की है या तर्की है, ता यूएन नेशन ने की करता है, स्वीकार कर लिया भी जिहड़ा इहदा नाम है वो बदल दिता जाए। क्यों बदलन नू कहा इन्होंने, क्योंकि जो तुर्की सीगा इहदा नाम तुर्की सीगा, वो एक पंछी का नाम भी है, वो एक यूरोप दे विच पंछी का नाम भी है, तो कहिंदे ने लोग उत्थे खाते हैं जो क्रिसमस होंदा है, तो वो एक दूजे नू दिंदे ने, तो वो की करते हैं खाते हैं, तो करके इहदा नाम तुर्की तो की करता, तुर्की करता। ठीक है जी, विच कंपनी हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड जेवर एयरपोर्ट इन NCR, तो NCR नू की किने केड़ा अपना जिहड़ा बन रहा है जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो जिहड़ा ठेका है वो किनू मिले, टाटा प्रोजेक्ट नू मिले। एज पर ब्लूमबर्ग्स बिलीनियर इंडेक्स हु बिकम द रिचेस्ट मैन इन एशिया, तो एशिया के सब तो रिचेस्ट मैन किनू कहा गया, मुकेश अंबानी नू, ते दुनिया के सब तो रिचेस्ट किनू कहा गया, एलन मस्क नू कहा गया। हु वॉन फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 वूमेन सिंगल्स, तो ये किनू मिले, इगा स्वाइटेक नू, कितों की आई है, पोलैंड की है, आज देख सकते हो। वट इज़ द नेम ऑफ द न्यू नैशनल पोर्टल लॉन्च फॉर क्रैडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम लोन वगैरह की जिड़िया भी लोग जो पोर्टल बनाया गया, जन समर्थ पोर्टल। हु हैज़ वार्न्ड ही मे वॉक अवे फ्रॉम हिज $44 बिलियन डील टू अक्वायर ट्विटर, यदा मतलब की है कि इन्हें $44 बिलियन दिते ने ट्विटर को अक्वायर करने, थोड़ा सारे पता है कि एलन मास्क ने दिता ने, तेरे सीईओ उस टाइम कौन सी, पराग अग्रवाल, पर उन्होंने भी की करता, रिजाइन देता या इन्होंने उन्होंने करता। ठीक है, विच कंट्री हैज़ रैंक टू वर्स्ट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड्स इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, तो दुनिया के 180 कंट्री के उत्ते सर्वे होया, तो इंडिया 180वें नंबर के उत्ते आई है, जो कि बहुत माड़ी गल है। फर्स्ट ते कौन है, डेनमार्क, सैकेंड ते यूके, ते थर्ड ते फिनलैंड है, इनवायरमेंट दे मतलब इंडिया दे भी जो इनवायरमेंट है वो सब तो पूरे दुनिया दे सब तो ज़्यादा गंदा है। ब्लू ड्यूक जिहड़ी कि एक बटरफ्लाई की प्रजाति हैज़ बिन डिकलेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट, तो किने ब्लू ड्यूक नू स्टेट बटरफ्लाई का जो है तगमा देता, तो सिक्किम ने देता। ठीक है जी, हू हैज़ बिकम द न्यू MD ऑफ सैबी, सॉरी SBI, SBI के नवे MD कौन ने, अलोक कुमार चौधरी ने। ठीक है जी, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन, तो 200 मिलियन फॉलोअर किहड़े इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के उत्ते किहड़े दे हो गए, विराट कोहली दे हो गए, तुहानू पता है की खेडदे ने, क्रिकेट खेडदे ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म द सीजन ऑफ कल्चर, तो ये ब्रांड अम्बेसडर कौन बने ने, AR रहमान बने ने, यूके ते इंडिया नू जिहड़ा कल्चरल दे तौर ते जोड़न दे लई। हु हैज़ लॉन्च अ न्यू लोगो फॉर आयुर्वेदा आहार, आयुर्वेदा दे विच जिहड़ा आ चीज़ ई है, ये हिंदी दे विच है, ते इत्थे ये इदा करके की इहदा लोगो है, तो वह किने लॉन्च किया है, मनसुख मंडाविया ने। विच कंट्री हैज़ फाइनलाइज द डील टू परचेज चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका ते नामबिया, थोड़ा पता है इंडिया के जीरो चीता हो गया, तो इंडिया ने अफ्रीका ते नामबिया नमीबिया तो की किया है, चीता लैंड का फैसला किया है। रिलायंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा विल बी टेकन फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री फॉर एन एक्सपोजिशन, यदा मतलब की है कि कंट्री ने अपने को लॉर्ड बुद्धा ने इंडिया तो मंगवाया एग्जीबिशन के लिए, तो मंगोलिया ने मंगवाया किन्ने दिन लिए, 14 दिन लिए मंगवाया से, हूँ ये वापस भी कर चुके। रशिया एंड डैश इनवील्ड फर्स्ट रोड ब्रिज बिटवीन दैम, तो रशिया तो चाइना ने एक ब्रिज बनवाया जोड़ा कि 1 किलोमीटर है। ठीक है जी, जोड़ा कि रशिया तो चाइना की करता है जोड़ता। हु हैज़ वॉन मेनोरक ओपन, मिनोरका ओपन चैस टूरनामेंट, तो डी गुकेश या गुकेश डी ने की किया है, चैस टूरनामेंट न जित लिया। विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू लॉन्च अ बस सर्विस विद द टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, तो टोटल डिजिटल टिकटिंग सिस्टम किदा हो गया जी,
महाराष्ट्र का हो गया। अगे जो मैं गल करा, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस रिटन वार्निंग ऑन एवरी सिगरेट, तां कनेडा ने की करता, हरेक सिगरेट के उत्ते की करती, रिटन वार्निंग शुरू करती। ठीक है जी। विच वट रैंक डिड इंडिया गॉट कौरसेला ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, मतलब इंडिया के किन्ने लोग स्किल्ड ने, ये हिसाब जो हिसाब लाया गया था, इंडिया किन्नवे नंबर पर है पूरी दुनिया से, 68 से, फर्स्ट से स्विट्जरलैंड, सैकेंड से डेनमार्क, थर्ड से इंडोनेशिया। हु हैज़ वॉन द प्रस्टीजियस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021, द पी आर श्रीजेश नु की मिला यह वाला अवार्ड मिले। हु हैज़ टेकन ओवर द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मनोज पांडे, आ इन्हों की है जी फोटो है, इन्हों की मिले वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो वो कौन है जी, एम जगदीश कुमार। विच न्यू वैटलैंड, कि नवा वैटलैंड है जो एड किया गया रामसर साइट के, खजादिया, खजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की किया गया, ऐड कर दिया गया। विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड DX21 अवार्ड बाय CLL, तो किनू मिले, कर्नाटका बैंक में मिले DX2021 अवार्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकनोमिक ग्रोथ, चेतन घाटे, तो ये इन्हों की है चेतन घाटे की फोटो है, सॉरी इमेज थोड़ी जी क्लीयर नहीं हैगी। अगे जो मैं गल करा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टड पब्लिक सैक्टर कंपनी, तो यह किनू मिले मोस्ट ट्रस्टड का जो तगमा है, कोल इंडिया लिमिटेड में मिले। हू वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहिब, ये पेपर च आ सकता, दादा साहिब फालके अवार्ड के, जो मैं बेस्ट एक्टर की गल करा, रणवीर सिंह को मिले 83 मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन मिमी मूवी के लिए, मिमी के पंकज त्रिपाठी ने बहुत वधिया काम किया। फिल्म ऑफ द ईयर किनू मिले, पुष्पा थोनों पता, अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं साला। बेस्ट फिल्म शेरशाह है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म पाउली, ठीक है पाउली, आई थिंक जितक मैंने पता है वो है अपना पुली है, ये पाउली नहीं हैगी, विजय दी। बेस्ट वैब सीरीज़ कैंडी, बढ़िया फिल्म है ये। बेस्ट एक्टर इन वैब सीरीज़ मनोज बाजपाई फैमिली मैन 2 लई, बेस्ट एक्ट्रेस इन वैब सीरीज़ रवीना टंडन अरनायक लई, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल सतीश कौशिक कागज लई, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल लारा दत्ता बैल बॉटम। जे बैल बॉटम नहीं देखी तो बैल बॉटम विच जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभाया, वो किने निभाया, लारा दत्ता ने निभाया। बेस्ट एक्टर इन नैगेटिव रोल आयुष शर्मा अंतिम दे विच, ठीक है आयुष शर्मा, वो सलमान खान का रिश्तेदार है। बेस्ट डेब्यू अवार्ड आहान शेट्टी तड़प, बहुत सोहनी मूवी है तड़प, आहान शेट्टी कौन है अपना, आई थिंक वो है वह मुंडा सुनील शेट्टी का। बेस्ट प्लेबैक सिंगर विशाल मिश्रा एंड कनिका कपूर को दिता गया। सो ये अज्ज की वीडियो, मैं उम्मीद करता कि तुम्हें लैक्चर पसंद आया होगा, इन्हों वो करंट अफेयर की दूजी वीडियो तुम छेती ही लैके मिलेंगे।